शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और उसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें मुतालिब आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को सौ द्रे मारो और अगर तुम खुदा और रोज आखिरत पर ईमान रखते हो तो शर खुदा के हुक्म में तुम्हें उन पर हरगज तर्स ना आए और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो बदकार मर्द तो बदकार या मुशरक औरत के सिवा निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर चार गवाह न लाए तो उनको अस्सी दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो और यही बद किरदार है हां जो उसके बाद तोबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान है और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाए और खुद उनके सिवा उनके गवाह न हो तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो चार बार खुदा की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है और पांचवी बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर खुदा की लानत और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले चार बार खुदा की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है और पांचवी दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती मगर वो साहिब करम अमीम है और ये कि खुदा तौबा कबूल करने वाला और हकीम है जिन लोगों ने बोहतान बांधा है तुम ही में से एक जमात है उसको अपने हक में बुरा ना समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना बवाल है और जिसने उनमें से इस बहुतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों और ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान ना किया और क्यों ना कहा कि ये सरीह तूफान है ये इफ्तरा परदाज अपनी बात की तस्दीक के लिए चार गवाह क्यों ना लाए तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो खुदा के नजदीक यही झूठे हैं और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे और खुदा के नज़दीक वो बड़ी भारी बात थी और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं पर तू पाक है यह तो बहुत बड़ा बहुत है खुदा तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना और खुदा तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और खुदा जानने वाला और हमत वाला है जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो क्या कुछ न होता मगर वो करीम है और ये कि खुदा नहायत मेहरबान और रहीम है मोमिनो शैतान के कदमों पर न चलना और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता मगर खुदा जिसको चाहता है पाक कर देता है और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब वसत है वो इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ खर्च पात नहीं देंगे उनको चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें क्या तुम पसंद नहीं करते कि खुदा तुमको बख्श दे और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा यानी कयामत के रोज जिस दिन उनकी जबाने और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे उस दिन खुदा उनको उनके आमाल का पूरा पूरा और ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि खुदा बरहक और हक को जाहिर करने वाला है नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए ये पाक लोग उन बद की बातों से बरी हैं और उनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है मोमिनो अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो और अगर यह कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो यह तुम्हारे लिए बड़ी पाकिजगी की बात है और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है हां अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई ना बसता हो और उसमें तुम्हारा इसबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो खुदा को सब मालूम है मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें यह उनके लिए बड़ी पाकिजगी की बात है और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे खबरदार है और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आरइश यानी जेवर के मकाम को जाहिर ना होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो और अपने सीनों पर ओढ़निया ओढ़े रहा करें और अपने खामिंद और बाप और खुसर और बेटों और खामिंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही कसम की औरतों और लौड़ी गुलामों के सिवा नेज़ उन खुदाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो गरज उन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पाओ ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झनकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए और मोमिनो सब खुदा के आगे तोबा करो ताकि फलाह पाओ और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लॉन्डियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो अगर वो मुफलिस होंगे तो खुदा उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा और खुदा बहुत वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि खुदा उनको अपने फजल से गनी कर दे और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहें अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत खुदा आसमानों और जमीन का नूर है उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चराग है और चराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है उसमें एक मुबारक का तेल जलाया जाता है यानी जैतून कि ना मशरक की तरफ है न मगरब की तरफ ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खा आग उसे ना भी छुए जलने को तैयार है बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और खुदा जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए और खुदा हर चीज से वाकिफ है वह कंदील उन घरों में है जिनके बारे में खुदा ने इर्शाद फरमाया है कि बुलंद किए जाए और वहां खुदा के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्वीर करते रहे यानी ऐसे लोग जिनको खुदा के जिक्र और नमाज पढ़ने और जक़ात देने से ना सौदागरी गाफिल करती है ना खरीदो फरोख्त वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते हैं ताकि खुदा उनको उनके अमलों का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता करे और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिस्क देता है और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और खुदा ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और खुदा जल्द हिसाब करने वाला है या उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दरिया अमीक में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो गरज अंधेरे ही अंधेरे हो एक पर एक छाया हुआ जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके और जिसको खुदा रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं खुदा की तस्वीर करते रहते हैं और पर फैलाए हुए जानवर भी और सब अपनी नमाज और तस्वीर के तरीके से वाकिफ हैं और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है और आसमान और जमीन की बातचाही खुदा ही के लिए है और खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है फिर उनको आपस में मिला देता है फिर उनको तय बह ते कर देता है फिर तुम देखते हो कि बादल में से मैं निकल कर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं, उनसे ओले नाजिल करता है तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बिनाई को उचके लिए जाती है खुदा ही रात और दिन को बदलता रहता है अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है और खुदा ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया तो उनमें से बाजे ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो दो पाओ पर चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो चार पाओ पर चलते हैं खुदा जो चाहता है पैदा करता है बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है हम ही ने रोशन आयत नाजिल की है और खुदा जिसको चाहता है सीधे रस्ते की तरफ हिदायत करता है और बाज लोग कहते हैं कि हम खुदा पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया फिर उसके बाद उनमें से एक फिरका फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं है और जब उनको खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल खुदा उनका कजिया चुका दें तो उनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है और अगर मामला हक हो और उनको पहुंचता हो तो उनकी तरफ मोती होकर चले आते हैं क्या उनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है या उनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे नहीं बल्कि ये खुद ज़ालिम है मोमिनों की तो ये बात है कि जब खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया और यही लोग फलाह पाने वाले हैं और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा और उससे डरेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं और ये खुदा की सख्त सख्त कस्मे खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों कह दो कि कसमें मत खाओ पसंदीदा बरदारी दरकार है बेशक खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है कह दो कि खुदा की फर्मा बरदारी करो और रसूल खुदा के हुक्म पर चलो अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ आह खुदा का पहुंचा देना है जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे खुदा का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम पायदार करेगा और खौफ के बाद उनको वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक न बनाएंगे और जो उसके बाद कुफर करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं और नमाज पढ़ते रहो और जक़ात देते रहो और पैगम्बरे खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए और ऐसा ख्याल न करना की काफी लोग हमको जमीन में मकलूब कर देंगे ये जाही कहां सकते हैं उनका ठिकाना दोजक है और वो बहुत बुरा ठिकाना है मोमिनो तुम्हारे गुलाम लॉन्डिया और जो बच्चे तुम में से बलूक को नहीं पहुंचे तीन दफा यानी तीन औकात में तुमसे इजाजत लिया करें एक तो नमाज सुबह से पहले और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो और तीसरे ईशा की नमाज के बाद ये तीन वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं उनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुना है और न उन पर के कामकाज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और खुदा बड़ा इल्मा और बड़ा हिकमत वाला है और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं इस तरह खुदा तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तो नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सरनंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है और खुदा सुनता जानता है न तो अंधे पर कुछ गुना है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर के अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फुफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से और उसका भी तुम पर कुछ गुना नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो ये खुदा की तरफ से मुबारक और पाकीजा तोहफा है इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो मोमिन तो वो हैं जो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबरे खुदा के पास जमा हों तो उनसे इजाजत दिए बगैर चले नहीं जाते ऐ पैगंबर वसल्लम जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो उनमें से जिसे चाह करो इजाजत दे दिया करो और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगा करो कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है मोमिनो पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो बेशक खुदा को वो लोग मालूम है जो तुम में से आंख बचा चल देते हैं तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो देखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और खुदा हर चीज से वाकिफ है